हेलो हेलो साथियों, 26 जून से 26 जून 2019 से कश्मीर से हम लोग ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा लेकर चले और 5.5 महीने के बाद हैदराबाद 11 दिसंबर में पहुँचे। 12 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक इस यात्रा को संगठन के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए स्थगित किया गया और 16 जनवरी से ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा बसव कल्याण से शुरू की गई है दक्षिण भारत में। ये 5 मई 2020 को कन्याकुमारी पहुंचेगी। इतना बड़ा लंबा परिवर्तन यात्रा का ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम है। जब हम लोग दिसंबर में हैदराबाद पहुँचे उसके बाद एनआरसी का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का एनपीआर का मामला खड़ा हो गया तो ईवीएम के साथ साथ आज एनआरसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनपीआर इन मुद्दों पर भी यहाँ हम लोग बात करेंगे। साथियों, इतनी बड़ी जो परिवर्तन यात्रा ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा हमने निकाली है इस परिवर्तन यात्रा को निकालने के दो बड़े मकसद हैं। एक मकसद ये है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो यहाँ की प्रजा को भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए उन्होंने हिंदू और मुसलमान दो हिस्सों में लोगों को दो टुकड़ों में बांटा था अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों के आने के 2500-3000 साल पहले यूरेशिया से ब्राह्मण भारत आए, भागवत वगैरह के जो खानदान के लोग हैं वो लोग यूरेशिया से भारत में आए, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। जैसे अंग्रेज विदेशी थे उसी तरह से ये ब्राह्मण भी विदेशी है। हमारे लोगों को, तमाम भारतीय लोगों को ये जानकारी नहीं है, जब यूरेशिया से ब्राह्मण भारत आए तो यहाँ आकर उन्होंने भारतीय लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। 1703 जातियाँ शेड्यूल कास्ट की बनाई, 801 टुकड़े आदिवासियों के किए, 3743 जातियाँ पिछड़े वर्ग की ओबीसी की बनाई। अगर ये तीनों की आप गिनती कर लो तो 6000 से कम नहीं होते हैं टुकड़े, 6000 से ज्यादा ही होते हैं। हम लोग 6000 ही टुकड़े मान लेते हैं। अंग्रेजों ने
भारतीय लोगों को गुलाम बनाने के लिए हिंदू मुसलमान दो टुकड़े किए थे। अंग्रेजों के आने के पहले 2500-3000 साल पहले ब्राह्मण भारत आए और उन्होंने भारतीय लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। तो मुझे किसी ने पूछा कि अंग्रेज ज्यादा खतरनाक थे या ब्राह्मण ज्यादा खतरनाक है। अब लोग सवाल पूछते रहते हैं। हमने उनको कहा कि आपका जवाब हम गणित करके बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप बड़े अजीब आदमी हो, लोग तर्क करके जवाब देते हैं, आप गणित करके जवाब देने की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा धीरज रखिए, जवाब से आपको संतुष्टि मिलेगी। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान के जो दो टुकड़े किए थे, 2 से 6000 का भागाकार कर लो तो आंकड़ा निकलता है 3000 का। तो ब्राह्मण अंग्रेजों से 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है। आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं। और एक बात बताता हूं खतरनाक होने का सबूत। आपने किसी ब्राह्मण को खेती में हल चलाते हुए देखा? ओए ईमानदार लोग सही बोल रहे। ब्राह्मण कभी खेती में हल नहीं चलाता, ब्राह्मण कभी पसीना नहीं बहाता, पसीना बहाकर कभी वो रोटी नहीं खाता। और हम लोग मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर भी उतनी इज्जत भरी जिंदगी हम नहीं जी पाते जितना वो बगैर हल चलाए हुए इज्जत की जिंदगी जीता है। तो ब्राह्मण हल क्यों नहीं चलाता? क्योंकि हम लोग गधे लोग हल चलाने के लिए तैयार है तो इसलिए वो हल नहीं चलाता है। हम हल चलाते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, पैसा कमाते हैं, रोटी उससे पैदा होती है और फिर हम अपनी जिंदगी चलाते हैं और एक दिन हमारे घर में बच्चा पैदा होता है। तो हमारा आदमी पंडित के घर, ब्राह्मण के घर जाता है और ब्राह्मण को पूछता है, पंडित जी हमारे घर में बेटा पैदा हुआ, क्या नाम रखे? हमारे एक आदमी ने ऐसे एक आदमी को पकड़ा, अरे बच्चा पैदा हुआ वो नाम भी रख ले। तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं, बच्चा पैदा करना आसान काम है भाई, नाम रखना कठिन काम है। अब इतनी बुद्धि तो हमारे पास है नहीं जितनी उसके पास है। तो उसने कहा चलो ऐसा ही है तो फिर जाओ। तो उसने पंडित को पूछा, पंडित जी हमारे घर में बेटा पैदा हुआ, क्या नाम रखे? कहा कब पैदा हुआ? कहा बुधवार को पैदा हुआ। अच्छा बुधवार को पैदा हुआ, बुद्धू राम रख दे। तो हमारे आदमी को शब्दों का कोई अर्थ समझ में तो आता है नहीं हमारे बहुजन समाज में। तो हमारे आदमी ने पंडित जी को कहा बुद्धू राम? कहा पंडित जी हाँ बुद्धू राम, अच्छा नाम लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। अब उसको पता नहीं बुद्धू राम का मतलब होता है गधे राम, मूर्ख राम। हमारे आदमी तो पता तो होता नहीं। कहा दक्षिणा कितना देवे? कहा 1001। तो हमारा आदमी नाम रखने के 1001 रुपया देता है। जब घर बैठे बैठे पंडित जी को 1001 रुपया मिल जाए तो हल चलाने की जरूरत है? ये खतरनाक होने का दूसरा सबूत दिया आपको। तीसरा सबूत,
कितने पढ़े लिखे लोगों को यह पता है कि इस देश में पांच पांच नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है। अगर इस देश में ईमानदारी से चुनाव करवाए जाए तो ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, कर्नाटक में 1.5% है। तो 1.5% लोग जो है अगर ईमानदारी से चुनाव करवाया जाए तो ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुन सकते, सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। जो लोग गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी है ये ब्राह्मणों का नॉमिनेट किया हुआ प्रधानमंत्री है। नॉमिनेट अंग्रेजी का शब्द है, हमारे लोगों को अंग्रेजी का ये शब्द समझ में नहीं आएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया था। नॉमिनेट का मतलब, मैं देहाती आदमी हूं, देहात से आया हूं, आपको देहाती उदाहरण देकर बताता हूं। गांव में जब शादी होती है, शादी होने के बाद हमारा शादीशुदा आदमी परिचय करवाता है, ये मेरी शादीशुदा बीवी है। तो दूसरा आदमी पूछता है, ये जो औरत खड़ी है ये कौन है? आ ऐसी रखी हुई है, ऐसी रखी हुई है। तो ये जो नरेंद्र मोदी है ये ऐसे ही रखा हुआ ब्राह्मणों का प्रधानमंत्री है। तो मैंने आपको नॉमिनेट शब्द कहा था, आपको समझ में नहीं आया तो मुझे देहाती बनना पड़ा, और देहाती बनकर आपको समझाया, आपको समझ में आया। सवाल भाषण करने का नहीं है, सवाल समझने का होता है, समझना जरूरी है। तो नरेंद्र मोदी जो है ये गुजरात का बैकवर्ड जाति का आदमी है, और बैकवर्ड का आदमी को ये ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया है, नॉमिनेट किया हुआ प्रधानमंत्री है, रखा हुआ है। ये वास्तविक, हाँ, नॉमिनेट मतलब अंग्रेजी में नॉमिनेट और देसी भाषा में रखा हुआ प्रधानमंत्री है। रखा हुआ प्रधानमंत्री का मतलब होता है जैसे रखी हुई औरत के फैसले रखने वाला आदमी करता है, वैसे ही नरेंद्र मोदी जो भी फैसले करता है वो उसके फैसले नहीं होते हैं, उसको रखने वाला फैसले करता है। आप लोग नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, मैं नरेंद्र मोदी पर दया करता हूं। मैं अमित शाह एक गुजरात का जैन बनिया है जिसकी संख्या 2% है ऑल इंडिया में, ज्यादा नहीं। तो ये आरएसएस के ब्राह्मणों ने, संगठित ब्राह्मणों ने इन लोगों को प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर बनाया, और वो सारे फैसले वो लोग करते हैं, और सारे देश भर में गालियां इन लोगों को सुननी पड़ती है। ब्राह्मण इतने होशियार और चालाक लोग हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, मगर गाली उसको कोई नहीं दे रहा है। एक वामन मेश्राम है जिसको मालूम है ये बदमाश असली कौन। तो इसलिए साथियों, इस देश में उदाहरण के लिए मैंने आपको यह कहा कि पांच पांच नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है। 1885 को नेशनल कांग्रेस बनाई गई, चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन लोगों ने कांग्रेस बनाई। मैंने बहुत मुसलमानों को पूछा 1885 को जब कांग्रेस बनी तो उसमें कौन मुसलमान था बताओ? एक भी मुसलमान नहीं था, सारे बनाने वाले ब्राह्मण थे। मैं यहां बहुत सारे संख्या में मुस्लिम लोग हैं इसलिए बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाए इसलिए बात, फैक्ट बता रहा हूं, तथ्य बता रहा हूं सबूतों के साथ। तो
एक कांग्रेस ब्राह्मणों के बनाया हुआ संगठन है तो उन्होंने हमारे लिए थोड़ी बनाया। जब 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली तो दो बातें हुई। नंबर एक, अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और जवाहरलाल नेहरू नाम का कश्मीरी ब्राह्मण भारत का हुक्मरान हो गया। एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया और उसने लाल किले पर भाषण देकर कहा, जो दूसरा विदेशी हुक्मरान हो गया उसने भाषण देकर कहा हम आजाद हुए और हम लोगों ने माना हम आजाद हो गए। एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया और हमने मान लिया भारत आजाद हो गया। अब इसमें हमारी तो गलतियां हैं बहुत सारी, हमारी नासमझियां है, नादानियां है। इसलिए मैं आपको आपसे जिंदाबाद नहीं करवा रहा हूं, दिमाग में कुछ खुराक डाल रहा हूं, समझ रहे ना। लड़ने के लिए लोकतंत्र में चाकू छुरी बंदूक गोली नहीं चलती, लोकतंत्र में लड़ने के लिए जानकारी और ज्ञान चाहिए। तो मैं अभी आपको केवल जानकारी दे रहा हूं, ज्ञान बड़ी चीज है, वो आगे देखूंगा, पहले जानकारी आपको दे रहा हूं। इसको समझने की जरूरत है क्योंकि यही जानकारी कल मैदान में लड़ने के लिए आपके काम में आएगी, क्योंकि जानकारी लोकतंत्र में हथियार है, चाकू छुरी बंदूक गोली लोकतंत्र में हथियार नहीं है, जानकारी हथियार है। तो पहली बात मैंने आपको बताई। दूसरी बात, 15 अगस्त को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फैसला किया कि 14 अगस्त 1947 तक 33% मुसलमान प्रशासन में थे, तो जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने आजाद भारत में उनको 2.5% तक नीचे लाया। ये महान काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिस जवाहरलाल नेहरू को आप लोग आधुनिक भारत का निर्माता, महान समाजवादी, महान सेकुलर, बच्चों का चाचा, हम अपने सगे चाचा को चाचा नहीं कहते हैं मगर नेहरू को जरूर चाचा कहते हैं। ये जानकारी भी थोड़ा आपको मैं दे रहा हूं कि आज 14 अगस्त 1947 तक 33% मुसलमान प्रशासन में थे, अभी 2.5% रह गए। डाटा देख लेना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बोल रहा हूं, सरकारी डाटा बता रहा हूं। जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सीनियर आईएएस अधिकारियों को बुलाया, कहा कि हमें मुसलमानों के विरोध में कुछ करना है, आप बताइए क्या कर सकते। सीनियर आईएएस अधिकारियों ने अटल बिहारी को कहा कुछ नहीं कर सकते। कहा क्यों, प्रधानमंत्री है भाई, हमारी सत्ता है, क्यों कुछ नहीं कर सकते। कहे कैसे करेंगे, क्या बताइए, कुछ नहीं कर सकते, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। कहा कि प्रशासन में अब मुसलमानों को 2.5% तक नीचे लाया गया है, हम ही लोगों ने तो ऑर्डर निकाले हैं, हम कोई तो मालूम है, सरकार थोड़ी ऑर्डर पर साइन करती है, मिनिस्टर हम करते हैं, सरकार बोलती है हम ऑर्डर निकालते हैं। अब आपको गल्फ कंट्रीज से, मध्य पूर्व से तेल लाना है, 2.5% से नीचे करोगे तो दुनिया वालों को, जो मुस्लिम देश है जहां से तेल लाना है उनको दिखाना पड़ता ना 2-4%, हमारा है सेकुलर है भाई, हम भी तो तेल फिर मिलता है, थोड़ा सस्ता मिलता है, अगर 2.5% से नीचे लाओगे तो फिर तेल की समस्या पैदा होगी। कहा कि ये कैसे हुआ,
कहा कि ये तो कांग्रेस ने किया, आपको करने के लिए कुछ बचा नहीं है, ये सारा का सारा काम कांग्रेस के समय में हुआ। नहीं, कांग्रेस वाले तो सेकुलर है, ये कैसे किए? कहा कि ये तो कांग्रेस वालों का, आप पूछिए, हमें मत पूछिए, ये हमारा प्रशासन के अधिकारियों का मामला नहीं है, ये आप उनसे पूछिए। मैं यहां बैठे भी बहुत सारे कांग्रेसी होंगे, एक बात, दूसरी बात, कांग्रेस नहीं होंगे तो कांग्रेस को ठप्पा मारने वाले भी बहुत सारे हैं। मैं आप लोगों को ये तथ्य इसलिए बता रहा हूं कि आपका समर्थन लेकर ही 33% मुसलमानों को 2.5% तक नीचे कांग्रेस ने लाया, जिसे आप लोग सेकुलर मानते हैं। दूसरी बात, खतरनाक होने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। तीसरी बात, जो दूसरे नंबर की पार्टी है भारत की, कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमरू डांगे नाम का, बॉम्बे का ब्राह्मण था, कोकनस्थ ब्राह्मण, जिसे महाराष्ट्र में कोबरा ब्राह्मण कहा जाता है, कोबरा समझते हो ना? हाँ, ये कह रहे हैं, हाँ ये बराबर है, आपके समझ में आ गया। तो ये वो कोबरा ब्राह्मण था, उसने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, बनाने वाला भी ब्राह्मण था, दूसरी पार्टी। तीसरी पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से एक नई पार्टी बनी, उसका नाम है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इसको बनाने का काम केरला के ईएमएस नंबुद्रीपाद नंबुद्री ब्राह्मण था। हो गया तीसरी पार्टी नेशनल लेवल की, जिसके आज जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी है। ये साउथ इंडिया का काला ब्राह्मण है, नॉर्थ इंडिया का जो गोरा ब्राह्मण है उससे काला ब्राह्मण ज्यादा खतरनाक होता है। आप साउथ इंडिया में रहते हैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा खबरदार कर रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं, आप लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपको क्या लगता है, अरे मेरा कलर उसका कलर एक है भाई, नहीं चलो एक नहीं, जहनीयत निर्धारित करती है, समझ लो, शरीर नहीं जहन दिमाग निर्धारित करता है। तीसरी पार्टी। चौथी पार्टी, 1952 को जब भारत में पहली बार चुनाव हुआ तो आरएसएस के गोड़वलकर ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसका नाम रखा जनसंघ। उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाली ब्राह्मण। 77 में अटल बिहारी अडवाणी ने यह पार्टी जनता पार्टी में विलीन की, झगड़ा हुआ, 80 में बाहर आए और अटल बिहारी ने एक नई पार्टी बनाई, पार्टी का नाम रखा भारतीय जनता पार्टी, और उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, फिर ब्राह्मण, चौथा ब्राह्मण। नाम के साथ बता रहा हूं, किसी को मैं 20 साल से कह रहा हूं और किसी ने कोई ऐतराज, क्योंकि जो सच बोलता है, जो सच बोला जाता है उससे डिफेमेशन नहीं होता है, समझ रहे क्या? इसलिए हमारे खिलाफ अभी तक कोई केस एफआईआर दाखिल नहीं हो पाया, और जिन्होंने करने की कोशिश की वो लोग हाईकोर्ट में मुंह की खा के वापस चले गए। ये कानून मैं जानता हूं, बहुत भली बात ही, संविधान मैं जानता हूं, हमारे बाप का लिखा हुआ है, अच्छी तरह से जानते, भली भांति जानते हैं। पांचवी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, ये बंगाल की ममता बनर्जी, बंगाली ब्राह्मण, उसने बनाई, और 2017 में चुनाव आयोग ने उसके पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। काशीराम जी कहा करते थे, एक सापनाथ है, एक नागनाथ है, सापनाथ जाएगा तो नागनाथ आएगा, नागनाथ जाएगा तो सापनाथ आएगा, सापनाथ के पास जहर है, नागनाथ के पास भी जहर है, जो भी इनके साथ जाएगा जहर से मर जाएगा। तो हमारी हालत ही है,
हम या तो बीजेपी के साथ जाते हैं या तो कांग्रेस के साथ जाते हैं, और सापनाथ नागनाथ के पास जहर है, जैसे ही जाते साले जहर से मर जाते, हमारी हालत इसी वजह से खराब है, ये समझना जरूरी है। सबूतों के साथ बोल रहा हूं। तीसरा खतरनाक होने का सबूत, 2009 में भारत के संसद में 375 लोकसभा की सीटें ब्राह्मणों के पार्टी की थी, और सेंटर में या तो कांग्रेस का राज होता है या तो बीजेपी का राज होता है, और राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं वो या तो कांग्रेस के समर्थन से होते हैं या तो बीजेपी के समर्थन से होते हैं। बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से, झारखंड में हेमंत सोरेन कांग्रेस के समर्थन से, तो इसका मतलब है सेंटर में भी उनकी सरकार और राज्यों में भी केवल मात्र उनकी सरकार। समझने की जरूरत है, सबसे ज्यादा यानी देश पर सारा कब्जा कर लिया है, संख्या केवल 3.5%। खतरनाक होने का सबूत बता रहा हूं। 2014 में 411 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा था, 2019 में 451 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा था। डाटा बोल रहा हूं चुनाव आयोग का, कोई भी आदमी जाकर वेरीफाई कर सकता है, कोई पत्रकार यहां होंगे तो हमारी तो खबरें कोई छापता नहीं है। वामन मेश्राम पर सारे देश भर में मीडिया वालों ने पाबंदी बना रखी है कि भाई इतना सच बोलने वाला आदमी हम अगर छाप दे तो हमारी कोई खबर नहीं छापेगी और हमें भी पत्रकारिता से निकाल दिया जाएगा। बहुत सारे पत्रकारों ने मेरा इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने के बाद सारे सवाल उसके खत्म हो गए। मैंने पूछा छापोगे, क्योंकि पत्रकार को कोई पूछता नहीं सवाल, पत्रकार ही सवाल पूछते रहता है, मगर मैं हर पत्रकार को आखिरी सवाल पूछता छापोगे। दो चार दिन के बाद मैं उसको टेलीफोन करता हूं, अरे आया नहीं आपका, तो बोलता क्या करे हमने तो लिख कर दे दिया था, सारा पेपर हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो इस देश में मैं छोटी लकड़ी हथियार तो छोड़ो लटली लेकर भी नहीं चलता हूं, केवल सच बोलता हूं। तो इस देश में सच हजम नहीं होता, कोई अखबार कोई टीवी हमारी खबर नहीं छापता न दिखाता है, क्योंकि हम सारा डाटा सबूतों के साथ बोलते हैं। और एक खतरनाक बात, लोकतंत्र सारे दुनिया में चार पिलर पर खड़ा है। पहला पिलर है विधायिका, मैंने आपको बताया 451 सीटों पर 2019 में कब्जा है। कार्यपालिका में आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारी 79.2% प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण और तत्सम, कोई भी आदमी जाके वेरीफाई कर सकता है जो कह रहा। ये डाटा मुझे शरद यादव ने दिया, उसने पार्लियामेंट में सवाल पूछा मिनिस्टर को, मिनिस्टर ने लिखकर जवाब दिया। मैं शरद जी के घर में गया, शरद जी ने मुझे कागज दिया, मैंने कहा क्या है, कहा मिनिस्टर ने जवाब दिया है, ले लो आपके काम में आएगा। मैं तो इतना नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे जरा उन लोगों के बीच में रहना पड़ता है, तो मैंने कहा कि चलो ये कागज मैं ले लेता हूं, अगली बार भी देने का वादा करो तो ले जाता हूं, कहा कि देते रहेंगे। तो ये डाटा की बात कह रहा हूं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 79.2% प्रथम श्रेणी के अधिकारी, 80% कब्जा है। प्रशासन में आपका काम क्यों नहीं होता, ये वजह। जुडिशियरी में 97%, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं लोगों का कब्जा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी मैं नागपुर का रहने वाला हूं, तो नागपुर का अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अभी जो चीफ जस्टिस, और उसका दादा आरएसएस का सेंट्रल लेवल का लीडर था। आप लोगों को पता नहीं है कि आरएसएस केवल दिल्ली के राजसत्ता में ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी उसका पोता है जो आरएसएस का पदाधिकारी था दादा।
परिस्थितियां कितनी ज्यादा तेजी से बदल रही है, इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। क्योंकि ये खबर किसी अखबार ने नहीं छापी, मगर हम कुंडली रखते हैं हर आदमी की। कुंडली, कुंडली समझते हो ना, ये ब्राह्मण लोग कुंडली निकालते हैं, उनको मालूम है ब्राह्मणों की कुंडली वामन मेश्राम के पास है। मेरे पास है डाटा हर राज्य में, क्योंकि हमारे पास 31 स्टेट में 542 डिस्ट्रिक्ट में 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में 1,50,000 गांवों में हमारा संगठन फैला हुआ है। पिछले 43 ईयर से ये काम मैं कर रहा हूं, 19 साल की उम्र से। आरएसएस से संगठित शक्ति किए बगैर मुकाबला करना आसान नहीं है। तकरीरों से आरएसएस का मुकाबला नहीं हो सकता, ध्यान रखो, तकरीरों से आरएसएस का मुकाबला नहीं किया जा सकता, संगठित शक्ति के आधार पर ही मुकाबला किया जा सकता है। समझदारी की बात बता रहा हूं, जो मैं कहता हूं उस पर तालियां बहुत कम बजती हैं, क्योंकि आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। जब मैं कहता हूं तो वो सोचने लगता है, बात तो सही है, तो जब आदमी सोचता है तो ताली नहीं बजा पाता। तो जितना आप कम ताली बजाएंगे उतनी मेरी बात आपको ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि मैं ताली बजाने वाली बातें कहता नहीं हूं। साथियों, खतरनाक होने के सबूत दे रहा हूं आप लोगों को, मीडिया चार प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ब्राह्मण बनिया का कब्जा, प्रिंट मीडिया में अखबार और किताबें छपती है उस पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा, ट्रेडिशनल मीडिया मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एनियदर महाराज, बचा खुचा महाराज, है कोई हमारा, सारा कब्जा है। मैं आपको देश की वास्तविक स्थिति जो है उससे अवगत करा रहा हूं। ये तीसरा मीडिया भी उन पर कब्जा है। चौथा मीडिया है होकल मीडिया, जैसे मैं भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। इस देश में 7,500 बोलियां बोली जाती है जिसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लिपि नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा लिखता है, शासन में उसकी मान्यता है। हमारी बोली को कोई मानता नहीं है। सारे मीडिया पर भी उनका ही कब्जा है। तो लोकतंत्र के जो चार पिलर है, विधायिका जहां कानून बनाया जाता है उसका उनका कब्जा है, कार्यपालिका जो कानून पर अमल करते हैं उनका कब्जा है, जुडिशियरी जो विवाद पर फैसले करते हैं बगैर किसी सबूत के राम मंदिर का फैसला दे दिया। ऐलानिया कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने यह फैसला दिया, मैं ऐसा ऐलानिया कह रहा हूं, गलत हो तो वो मुझे नोटिस इश्यू करके बुलाए कोर्ट में, फिर उनके मुंह पर ही कह देता हूं। मैंने वकील को पूछा कि ऐसा कहने से क्या होगा, कहा कंटेम्प्ट होगा, कहा कंटेम्प्ट होने से क्या होगा, कहा सजा होगी, अच्छा कितनी होगी, कहा 6 महीने होगी। तो मैंने कहा चलो मैं 6 महीने अंदर जाके फिर वापस आता हूं, जो सच है बोलना पड़ेगा किसी न किसी को, किसी न किसी को खतरा लेना होगा। मैंने वकील को पूछा सजा देने के पहले जज पूछेगा ना एक बार आप क्या कहना चाहे, हाँ पूछेगा जरूर। तो मैंने कहा उस समय जज के मुंह पर कहूंगा कि तुम जज हो खुदा नहीं, तुम जज हो खुदा नहीं हो, ध्यान रखो। और जज संविधान के ऊपर नहीं होते हैं, संविधान के नीचे होते हैं। संविधान को ध्यान में रखते हुए फैसले करने होंगे, संविधान को छोड़कर फैसले अगर करोगे तो आप लोगों को हमारी बात सुननी पड़ेगी, हम लोग जो कहेंगे उसको कहना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं साथ, इसलिए ये सारे सबूत आपको बता रहा हूं। तो इस तरह से लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। जब चारों पिलर पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया तो देश में लोकतंत्र कहां है, ये तो ब्राह्मण तंत्र है।
बहुत भयंकर बात आपको बता रहा हूं। देश में लोकतंत्र कहां है? ये तो ब्राह्मण तंत्र है, सारी व्यवस्था पर ब्राह्मणों का कब्जा। अरे ये लोकतंत्र नहीं, ये ब्राह्मण तंत्र है। कानून और संविधान के विरोध में जाकर तुमने ये स्थापित किया, इसलिए तुम सारी बातें कानून और संविधान के विरोध में कर रहे हो। तुम्हारे विरोध में हर प्रकार की जंग लड़नी होगी और उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। भारत में जंग होगी साथियों, मैं आप लोगों को थोड़ा बता सतर्क करना चाहता हूं, इस जंग से गुजरना ही होगा। अभी हालात ऐसे ही पैदा कर दिए गए, जंग से गुजरना ही होगा। आपकी इच्छा हो तो गुजरना होगा, आपकी इच्छा ना हो तो भी गुजरना होगा। हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं, इसलिए आपको तैयारी करना जरूरी है। तो हम सारे देश भर में लोगों को दिमागी रूप से तैयार कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि आपने परिवर्तन यात्रा शुरू की और अमित शाह कर्नाटक आकर चले गए, और आज के खबर में मोहन भागवत मुरादाबाद में बोले कल, और जो मैं बोल रहा हूं कर्नाटका में उसका जवाब मुरादाबाद में दे रहा है कि हम सब हिंदू है, 130 वाले 130 करोड़ लोग सब हिंदू है। जब मुसलमान हिंदुस्तान 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 जिंदाबाद कहते रहता है, तब मुझे लगता है हाँ यार भागवत जो कहता है वो सही कहता है। समझ में आ रहा है? भागवत कहता है सारे हिंदू है, मुसलमान कहता है हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो मुझे लगता है वामन मेश्राम गलत है भाई यार, वामन मेश्राम ही गलत है। बाबा साहब अंबेडकर इस खतरे को जानते थे, उन्होंने संविधान की पहली लाइन लिखी, इंडिया दैट इज अ भारत। क्या बात, जितने मुसलमानों के पास पासपोर्ट है, जितने भी लोग विदेश में जाते रहते हैं आते रहते हैं, एक बार ऊपर का पन्ना देखो, ऊपर लिखा होता है इंडिया, नीचे लिखा होता है भारत। अरे एक बार तो पढ़ो भाई, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। मैं हजरत निजामुद्दीन अवलिया वहां गालिब एकेडमी आ गया, सारे लोग हिंदुस्तान 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 कहने लगे। मैं आखिरी बोलने वाला था तो मैंने कहा अरे मैं आरएसएस के बीच में आ गया क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना तो आरएसएस वाले हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं कहते जितने मुसलमान कहते हैं, तो मुझे डाउट हो रहा कहीं मैं आरएसएस वालों के बीच में तो नहीं आ गया। अश्मिता समझ में आ रहा है? शब्द बहुत अहम होते हैं, ध्यान रखो शब्द। उर्दू में कहीं पर भी भारत नहीं लिखा जाता। मैं मुसलमानों को अनुरोध करता हूं, नहीं तो भागवत कामयाब हो जाएगा, जब आप हिंदुस्तान 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 जिंदाबाद कहते रहोगे तो कामयाब हो जाएगा। आज के बाद नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह। हाँ नहीं, मैं आपके बहुत बड़े नेता सज्जाद नोमानी साहब को कहा, उन्होंने बंद कर दिया। मैंने वली रहमानी साहब को कहा, उन्होंने बंद कर दिया। बाकी तो समझ में नहीं आता, तो बहुत खतरनाक मामला है। हमें तो समझ में नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्टली हम आरएसएस का ही काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान वो भी कह रहे हैं हिंदुस्तान हम भी कह रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों मिलकर कर रहे हैं हम लोग। तो मैं आप लोगों को समझाने की बात है, जिंदाबाद मुर्दाबाद की बात नहीं है, अभी जहन में डालने की बात है। शब्द कितने खतरनाक हो सकते हैं, कितनी चालाकी कितनी होशियारी से ब्राह्मण काम करते हैं, ये बात समझा रहा हूं आप लोगों को। शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के लोग आदिवासी है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानता है हिंदू है, बैकवर्ड क्लास के लोग हिंदू नहीं है, ओबीसी हिंदू नहीं है। मैंने भागवत को पूना में पूछा था कि एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू है, तुम्हारे कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है बता, कहां लिखा है बता,
अभी तक नहीं बता पाया, भागवत नहीं बता पाया कि किसी भी धर्म ग्रंथ में हमारे लिए हिंदू नहीं लिखा हुआ है, बल्कि हमारे विरोध में बहुत भयंकर लिखा हुआ है कि इनको कान में सीसा डाला जाएगा, जिंदा मार दिया जाएगा अगर सुनेंगे तो, अगर रामायण सुनेंगे तो कान में सीसा डालेंगे, तो रामायण फिर हमारा कैसे? रामायण सुनेंगे अगर सीसा होतेंगे तो, कान में सीसा होतेंगे तो आदमी तो मर जाएगा ना, बोलेंगे ऐसा कोई शब्द काट देंगे जीभ तो। उनके धर्म ग्रंथों में एससी एसटी ओबीसी के लोगों के विरोध में लिखित सबूत है और सारे सबूत मेरे पास है, सारे के सारे सबूत मेरे पास है। और जब मुझे कोई सबूत नहीं मिलता है तो अंग्रेज लोगों ने इनके सारे सबूत लंदन लेके गए, तो मैं लंदन जाता हूं। मैं पिछली बार गया था कि मैंने कहा वो बाबा साहब अम्बेडकर एक मनुस्मृति का जिस मनुस्मृति का उपयोग करते थे सबूत के तौर पर, वो मिल नहीं रही भारत में, ब्राह्मणों ने गायब कर दिया है, मिलेगी क्या? कहा कि यहाँ तो नहीं है मगर ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे अंग्रेज हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, 200 साल पुरानी मनुस्मृति लेके आया, और अभी क्योंकि कागज जो है सड़ जाता है तो उसकी डिजिटलाइजेशन करके रखा हुआ है। कल मान लो कोर्ट में कोई सबूत देने का मामला हो, हमारे पास सबूत रखा है, मेरे झंझट में कोई नहीं पड़ता। बोले वामन मिश्रा, उसको जो बोलना है बोलने दो, उसके बारे में हम, वामन मिश्रा नाम का आदमी भारत में पैदा हुआ है, हम किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। तो मेरी कोई खबर छापते नहीं है कि पैदा हुआ आदमी, मैं लकड़ी लेकर भी नहीं चलता, हथियार बहुत दूर की बात है। तो मैं ये सारी बातें आप लोगों को सबूत के तौर पर बोल रहा हूं कि सारे लोकतंत्र पर इन्होंने कब्जा कर दिया और लोकतंत्र को ब्राह्मण तंत्र में रूपांतरित कर दिया है। तो देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है, केवल मात्र ब्राह्मण तंत्र बचा हुआ है, और ब्राह्मण तंत्र केवल ब्राह्मणों के लिए काम करता है, बाकी किसी के लिए भी काम नहीं करता है। इसलिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार भी आत्महत्या कर रहे हैं, इस देश में सभी लोग परेशान हैं। तो साथियों, ये जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा हमने निकाली, उसका पहला मकसद यह है कि 6000 जाति के लोगों को जगाया जाए, जगाकर जोड़ा जाए, जोड़कर शक्ति का निर्माण किया जाए, और शक्ति का उपयोग और प्रयोग आजादी हासिल करने के लिए किया जाए। आजादी तकरीरों से नहीं, शक्ति से हासिल होती, जनशक्ति से हासिल होती है। ध्यान रखो, गांठ बांधो, जनशक्ति को तैयार करो। दूसरा मकसद, ब्राह्मणों को मालूम हो गया कि अगर ईमानदारी से चुनाव हो तो हम चुनकर नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने ईवीएम लाया। ईवीएम मशीन में 4 बड़े फॉल्ट है, और यह बात डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो तमिलनाडु का काला ब्राह्मण है, बीजेपी का सांसद है, उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा। ए, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है, काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, फ्री यानी स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये बड़े बड़े शब्द है, इन शब्दों का अर्थ समझाने के लिए मुझे और आधा घंटा बोलना पड़ेगा, अभी समय कम है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो कहना चाहती है वो एक शब्द में बताना चाहता हूं कि ईवीएम मशीन से ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय देने का मतलब समझते हो? उसका मतलब है कानून, भारत का कानून है। ईवीएम मशीन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कर सकते, कानून है। मगर इस खबर को 8 अक्टूबर 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अभी तक अखबारों ने नहीं छापा, अभी तक टीवी वालों ने नहीं दिखाया। एक टीवी वालों ने मुझे बुलाया, कहा कि आप कहते हो सबूत है, सबूत है, लेके आओ। गया, जब मैंने ये सुप्रीम कोर्ट के कॉपी निकाली और दिखाना शुरू कर दिया तो इमीडिएट मुझे टेलीफोन आया, अरे टीवी पर आप बैठे थे और दिख नहीं रहे, कहाँ आप? अरे मैंने कहा कैसे नहीं दिख रहे? अब वो टीवी वालों ने मेरे ऊपर से कैमरा हटा दिया होगा, क्योंकि मैं सबूत दिखा रहा था सुप्रीम कोर्ट का। टीवी वालों का, अरे तो सारा नंगा कर देगा हम लोगों को। तो वहां से दूसरे लोग बैठे हुए दिख रहे, मैं गायब, मैं दिख ही नहीं रहा। मैं वो टीवी वाले का नाम नहीं बताना चाहता। साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो बीजेपी का राज्यसभा का सांसद है, उसने बहुत संक्षिप्त में आपको बताता हूं क्या कहा। कहा बैलेट पेपर में वोट डालने के दौरान आंखों से दिखाई देता है, ईवीएम मशीन में वोट डालने के बाद आंखों से दिखाई नहीं देता का पहला फॉल्ट। दूसरा फॉल्ट, बैलेट पेपर में फिजिकल एविडेंस रहता है और वो 6 महीने तक रखना पड़ता था, ईवीएम मशीन में कोई फिजिकल एविडेंस नहीं रहता है, तो फिर क्या रिकॉर्ड रहता है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का क्या मतलब है? संख्या। तो एक संख्या दूसरी संख्या में जाके मिल सकती है, कांग्रेस की संख्या बीजेपी में मिल सकती है, बीजेपी की संख्या कांग्रेस में मिल सकती है, और किसी भी रीजनल पार्टी का वोट या तो बीजेपी में ट्रांसफर होता है या तो कांग्रेस में ट्रांसफर होता है। क्योंकि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जब सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए तो उसके केस में दो बड़े मुद्दे थे। पहला मुद्दा था 2004, 2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता, और ईवीएम मशीन में 4 बड़े फॉल्ट हैं। तो तीसरा फॉल्ट यह है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा कि फिजिकल एविडेंस नहीं रहता है इसलिए फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं होता है। बैलेट पेपर में फिजिकल वेरिफिकेशन होता था, तीसरा फॉल्ट। चौथा फॉल्ट, बैलेट पेपर में रिकाउंटिंग होती थी, ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग नहीं होती है। बैलेट पेपर में हारा हुआ दोबारा जीत जाता था, जीता हुआ दोबारा हार जाता था, मगर ईवीएम मशीन में एक बार जीत गया वो कोई वेरिफिकेशन नहीं, और वो जीता हुआ माना जाता है। कहा 4 फॉल्ट है, चीफ जस्टिस ने माना 4 फॉल्ट है। नोटिस इश्यू किया, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2013 में, सरकार में हड़कंप मच गया। इतने में बड़ी खबर आई, अडवाणी जी चंद्राबाबू नायडू के साथ मिलकर ईवीएम के विरोध में बड़ी यात्रा निकालने वाले हैं। तो मनमोहन सिंह और कांग्रेस को लगा, अरे इससे तो कांग्रेस के दफ्तरों में सारे देश भर में आग लग जाएगी। तो कांग्रेस के लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर पे गए नागपुर, और आरएसएस को कहा कि अडवाणी जी को रथ यात्रा निकालने से रोकना होगा। कहा क्यों? कहा कि देश खतरे में पड़ जाएगा। कैसे? कहा कि ईवीएम अगर इलीगल घोषित हो गई तो 2004-2009 में हम जो सरकार में आए तो हमारी सरकार इलीगल घोषित हो जाएगी, और हमने जो फैसले किए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एग्रीमेंट वो इलीगल घोषित हो जाएंगे, इसलिए देश खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए अडवाणी जी को रोकना होगा। आप आरएसएस वाले लोग हैं, आप देशभक्त लोग हैं, अब आप ही तो देशभक्त लोग हैं भाई, अब भारत में कौन देशभक्त रह गया है? केवल आप ही देशभक्त हैं।
थोड़ा सा कांग्रेस ने मक्खन भी लगाया, कहा ठीक है अडवाणी जी को रोकेंगे, हमारा क्या फायदा होगा। आरएसएस ने कांग्रेस को पूछा, कहा कि आपका भी फायदा होगा, क्या फायदा होगा। तो कांग्रेस ने कहा 2014 का ईवीएम में घोटाला करके आप जीतो, सरकार हमारी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने बनाया है, जैसे आपको हमको मदद किया इलेक्शन कमिश्नर ने, आपको मदद करेंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी आपकी मदद करेंगे, मीडिया आपकी मदद करेंगे, ये इंश्योर करेंगे 2014 में आप चुनाव जीत लेना। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा, अभी आप बता रहे थे कि 4 और 9 दो बार घोटाला करके आपने जीता, और आप हमको एक कई बार घोटाला करके जीतने के लिए बोल रहे हो, बराबरी की बात नहीं। तो कांग्रेस ने आरएसएस को कहा, नहीं हम सोच रहे थे आप देशभक्त लोग हैं, देशभक्तों को घोटाले से क्या लेना देना, इसलिए हमने एक बार का प्रस्ताव दिया। अब हमको क्या मालूम था, हम कांग्रेसी लोग तो 2 नंबरी है, मगर आरएसएस को हम 2 नंबरी नहीं मानते थे, अब पता चला आप भी 2 नंबरी है। चलो हमने 2 बार घोटाला किया, 4 और 9 में आप चुप रहना, 2014 और 2019 में आप घोटाला करना, हम चुप रहेंगे, तेरी भी चुप मेरी भी चुप चिड़ी चुप। भारत की प्रजा को दोनों मिलके घोटाले से चुनाव जीत रहे हैं, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। अभी आपको उदाहरण देता हूं आंध्र प्रदेश का, गुंटूर का, ईवीएम मशीन में चंद्रबाबू नायडू के कैंडिडेट को 1 वोट निकला ईवीएम में, और जब पेपर ट्रेल निकला उसमें 294 निकले, पेपर ट्रेल में 294 और ईवीएम में 1 ही निकला। तो ईवीएम मशीन में वोट किसी और के नाम पर ट्रांसफर करने का सिस्टम बना हुआ है, इसके सारे सबूत हमारे पास है। तो 8 अक्टूबर जब कांग्रेस का बीजेपी का समझौता हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं किया, चुनाव आयोग ने भी जवाब दाखिल नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया ईवीएम में 4 फॉल्ट है। रिकॉर्डेड बातें बता रहा हूं, ये जो जजमेंट की कॉपी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं सारे देश भर में ये कॉपी लेकर इसलिए चलता हूं कि अगर कोई कांग्रेसी या बीजेपी वाला कहे कि नहीं नहीं झूठ बोल रहे हो, तो मैं उसके मुंह पर फेंक के मारता हूं। ये सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बता रहा हूं। दूसरी बात, जब 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 2014 में ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाकर चुनाव करवाना है, चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया, इसका परिणाम हुआ 31% लोग वोट बीजेपी को पड़े और 283 सीटें बीजेपी ने जीती। हमने सारा डाटा खंगाला तो पता चला किसी भी राजनीतिक दल को आज तक 31% वोटों के आधार पर 283 सीटें किसी भी पार्टी को नहीं मिली। अगर किसी भी पार्टी को 31% वोटों के आधार पर 283 सीटें तो छोड़ो, 272 साधारण बहुमत भी नहीं मिला, तो हमने सोचा फिर 11 सीटें बीजेपी को ज्यादा कैसे मिली। ईवीएम में घोटाला करके 2014 में बीजेपी ने चुनाव जीता, एक शब्द कांग्रेस नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोले। वो राफेल के ऊपर हंगामा करते हैं, ईवीएम पर बोलते नहीं कि दोनों को फायदा होता है, विरोधी पार्टी होकर भी ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाती है, दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सारा खेल चल रहा है। जब उन्होंने ये नहीं किया तो जून 2014 से मैंने अभियान शुरू किया, और कुछ दिन के बाद मैंने चुनाव आयोग को लेटर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का, अर्थात घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया, आपने क्यों नहीं लगाया।
तो चुनाव आयोग ने मुझे लिखित जवाब दिया, कहा कि नरेंद्र मोदी घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने के लिए पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। लिखित जवाब है जो मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिया। और फिर मैंने जब यह जवाब चुनाव आयोग ने दिया तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में खुद केस दायर कर दिया। काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, खुद केस दायर किया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया। नोटिस मिलते ही नरेंद्र मोदी ने 3,567 करोड़ रुपया मंजूर किया। मैंने चुनाव आयोग को कहा कि आप तो कहते थे नरेंद्र मोदी नहीं दे रहा है, अब कैसे दिया? वामन मेश्राम की वजह से देना पड़ा, समझ रहे? काल्पनिक नहीं, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोल रहा हूं। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में निर्णय दिया कि 19 के चुनाव में हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगी होगी। तो 2019 के चुनाव में हर ईवीएम मशीन को जो पेपर ट्रेल मशीन आपने लगी देखी, वो वामन मेश्राम के द्वारा लगवाई हुई है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का। जब मैंने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से करवाया तो इसका मतलब समझते हो, इतने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मेरे पास जो सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि गड़बड़ होता है, इतने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अभी जो मेरी केस जा रही है सुप्रीम कोर्ट में 2019 के चुनाव में, तो मेरे वकील को 8 घंटे बहस करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में, इतने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। साथियों, ये सारा घोटाला ईवीएम के द्वारा हो रहा है। 14 में भी हुआ, 2019 में ईवीएम मशीन लगाने के बावजूद भी घोटाला हुआ, पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बावजूद भी घोटाला हुआ, क्योंकि पेपर ट्रेल मशीन में 4 फैसिलिटी है, एक आंखों से दिखने की, एक फिजिकल एविडेंस की, एक फिजिकल वेरिफिकेशन की, एक रिकाउंटिंग की, मगर चुनाव आयोग ने केवल आंखों से दिखने की व्यवस्था की, 3 फैसिलिटी नहीं दिया। मैंने दोबारा केस दायर कर दिया। 18 जनवरी को मेरी केस दोबारा हियरिंग के लिए आई, 18 जनवरी 2019 को जब ये हियरिंग के लिए केस आई तो चुनाव आयोग का वकील हाजिर नहीं था। क्यों? मैंने जो सवाल पूछे उसका जवाब ही उसके पास नहीं है तो कहां से वकील भेजेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने रिटर्न ऑर्डर इश्यू किया। ये 24 घंटे के अंदर अंदर चुनाव आयोग अपना वकील भेजकर यह बताए कि वकील क्यों नहीं भेजा। दूसरे दिन वकील हाजिर। वकील को चीफ जस्टिस ने पूछा कल क्यों नहीं आए थे, कहा कि मेरे परिवार में मौत हो गई थी इसलिए। तो चीफ जस्टिस से पूछा जूनियर लॉयर को खबर देने के लिए भेजते, क्यों नहीं भेजा? वकील चुप हो गया। तो चीफ जस्टिस को डाउट हो गया कि वकील झूठ तो नहीं बोल रहा है। दूसरा ऑर्डर दिया कि हलफनामा दाखिल करके जवाब दो। वकील ने सोचा साला मराई नहीं तो हलफनामा कैसे दाखिल करेगा। वो दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो गया और कहा नहीं नहीं मरा नहीं, बीमार था। तो साबित हो गया चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो सवाल पूछा उसका कोई जवाब नहीं है। साथियों, उसके बाद वाली केस में मेरे वकील ने 1.5 घंटे बहस किया। चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग के वकील को कहा जवाब दो। चुनाव आयोग के वकील ने कहा मैं तो होमवर्क करके ही नहीं आया, तो मैं क्या जवाब दूं? चीफ जस्टिस अपने कुर्सी से उठते हुए कहा लोग कहेंगे चुनाव आयोग के पास गधे लोग हैं, वकील नहीं है, और उठकर चीफ जस्टिस कैबिन में चले गए। 20-25 मिनट के बाद दोबारा आकर कुर्सी में बैठे, रिटर्न ऑर्डर इशू किया कि अगले हियरिंग में चुनाव आयोग खुद हाजिर हो जाए। रिटर्न ऑर्डर है, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, रिटर्न ऑर्डर है मेरे पास।
कहा कि अगर आपका वकील जवाब नहीं देता है तो फिर तो आपको जवाब देना। दूसरी तरफ कांग्रेस के लोगों को मालूम हुआ कि वामन मेश्राम ने जो हमने 56C, 56D, 49MA नाम का रूल बनाकर 2014 में बीजेपी को जितवाया, ये वामन मेश्राम को मालूम हो गया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तो कांग्रेस ने अभिषेक मनु संघवी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया ताकि बीजेपी को 2019 के चुनाव में मदद किया जा सके। डॉक्यूमेंट्री है सारा, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, नाम लेके बोल रहा हूं, नहीं तो वो बोलेगा मेरा डिफेमेशन किया वामन मेश्राम ने। मालूम है उसको, वामन मेश्राम सबूत पहले इकट्ठा करता है, बोलता बाद में माइक में। सारे सबूत डॉक्यूमेंट्री मेरे पास, क्योंकि बहुत क्रिटिकल बात है, सामान्य मामला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होंगे तो बोल नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वकील ने अपनी बात कही और कहा कि ईवीएम के हम विरोध में नहीं है, पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले जो कागजी मतपत्र है उसका 50% ईवीएम के साथ मिलान किया जाए। तो हमारे वकील ने कहा जब 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने प्यारा नंबर 28 में 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया है तो आप 50% की मांग क्यों कर रहे हो? क्योंकि कांग्रेस को बीजेपी को चुनवाने के लिए मदद करना था, इसलिए 50% मिलान की बात कांग्रेस के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कही। इतने में एक बड़ी धमाकेदार खबर आई, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के विरोध में एक औरत ने चरित्र हनन का आरोप लगाया। अखबार वालों ने आपके यहां भी खबर छापी होगी, मगर वो मेरी केस में मामला चल रहा था, ये नहीं छापा किसी ने भी। और 7 जज का बेंच बैठा, वर्तमान चीफ जस्टिस उसके हेड थे, उन्होंने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को निर्दोष छोड़ा। जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में उस औरत की इंक्वायरी बिठाई, जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। भारत के जुडिशियल हिस्ट्री में आरोप करने वाला भी निर्दोष और जिसके ऊपर आरोप किया वो भी निर्दोष, ऐसा सलाह कभी नहीं हुआ। अगर यहां कोई वकील है तो उसको समझ में आता है, दो में से एक अपराधी होता है, यहां तो दोनों के दोनों निर्दोष साबित किए। मैं तो पहले ही समझ रहा था मेरी केस में जो डॉक्यूमेंट मैंने रखा हुआ है उसको साइड ट्रैक करने के लिए और बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए ये सारा तमाशा हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी को मदद कर रही है, दूसरी तरफ औरत के द्वारा यह हंगामा खड़ा किया जा रहा है। परिणामतः रिजल्ट आया और मेरी केस को साइड ट्रैक कर दिया गया और 23 मई को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया। और रिजल्ट आने के बाद क्विंट नाम के सोशल मीडिया ने खबर छापी, 373 लोकसभा में से 220 लोकसभा में 54 लाख वोट ज्यादा निकले, 54,000 नहीं, 54 लाख से ज्यादा वोट 220 चुनाव क्षेत्रों में निकले जहां बीजेपी के लोग जीते। 153 जगह पर लोगों ने जितने वोट डाले उससे कम निकले वो विरोधी पार्टी के लोग हारे। डॉक्यूमेंट्री बता रहा हूं, काल्पनिक नहीं, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर क्विंट के पत्रकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास अरोड़ा के पास गए, अरोड़ा को पूछा ये कैसे हुआ। अरोड़ा ने जवाब दिया कि हमारे इलेक्शन कमीशन के साइट पर हमारे पास जो डाटा आया था उस डाटा में हमने धीरे धीरे अपलोड किया, इस वजह से ऐसा हुआ। तो क्विंट के पत्रकारों ने अरोड़ा को पूछा, जब डाटा आपने धीरे 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 अपलोड किया तो ज्यादा वोट कैसे निकले, 54.5 लाख वोट ज्यादा कैसे निकले? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई जवाब नहीं था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने
एक सीक्रेट मैसेज सारे देश के अधिकारियों को भेजा। आप सोचते होंगे मिश्राम जी, जब मैसेज सीक्रेट था तो आपको कैसे पता चला? जैसे भारत सरकार की सीआईडी है, हमारी भी है, तो सीआईडी के द्वारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास आ गया। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, क्योंकि हमारा एक बड़ा धंधा यह है बदमाशों का पीछा किया जाए। हमारे पास कोई काम धाम नहीं, हम बदमाशों के पीछे लगे रहते हैं। तो हमारे पास डाटा आ गया, ऑर्डर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सीक्रेट मैसेज। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि टैली नहीं हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो मैसेज में लिखा कि टैली नहीं हो रहा है, टैली करके दोबारा भेजो। तो ये अपने आप में ए सीक्रेट मैसेज सबूत है। और जब अधिकारियों ने आनंद फानंद में टैली करके भेजा, तो वो डॉक्यूमेंट आरटीआई वालों ने मांगा, चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं दिया, क्योंकि सब हेराफेरी वाला मामला है। एक और भयंकर बात आपको बताता हूं। एक आरटीआई के कार्यकर्ता ने ईवीएम मशीन बनाने वाले कंपनी को पूछा, कितनी मशीनें चुनाव आयोग को दी? कहा 40 लाख। बाद में चुनाव आयोग को पूछा, आपके पास मशीनें कितनी? कहा 20 लाख। तो आरटीआई के कार्यकर्ता को मालूम हुआ 20 लाख मशीन गायब है। तो उसने वीडियो प्रोग्राम बनाया, उसने बताया जो मशीनें चुनाव आयोग के पास है उस पर चुनाव होने वाला नहीं है, जो मशीनें गायब है उस पर चुनाव होने वाला है। आप लोग सोचते होंगे आप कितना भयंकर बोल रहे हो भाई, कोई सबूत वबूत है? तो बगैर सबूत के थोड़ी बोल रहा हूं। दो सबूत ले लो। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, नहीं गाजीपुर में, अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे थे। उसका बड़ा भाई मुख्तार अंसारी डॉन है कहते, हमें पता नहीं है। उसके हथियारबंद दस्तों ने ट्रक पकड़ा ईवीएम का, जो काउंटिंग सेंटर पर मिसिंग मशीन का ट्रक पकड़ा, काउंटिंग मशीन पर काउंटिंग करने के लिए लाया जा रहा था, जिस पर लोगों ने वोट डाला वो नहीं, जो मशीनें गायब हुई थी वो मशीनों का ट्रक पकड़ा। और जब तक पूरी काउंटिंग नहीं हुई और कलेक्टर ने अफजाल अंसारी को सर्टिफिकेट नहीं दिया कि आप जीत गए हैं, तब तक उन्होंने ट्रक नहीं छोड़ा और अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए। अखिलेश यादव और मायावती एक भी ट्रक नहीं पकड़ पाए चुनाव हार गए। समझ में आया ना? मिसिंग मशीनों पर चुनाव हुआ। सबूत नंबर दो, नागपुर में नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे थे, उसके विरोध में नाना पटोले चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के। उसके पास एक डिवाइस था, डिवाइस में डाटा था, नागपुर के लोगों ने जिन मशीनों पर वोट डाला उसके सीरियल नंबर थे। जब काउंटिंग शुरू हुई वो सीरियल नंबर की मशीनें गायब थी, जिन मशीनों पर वोट नहीं डाला गया था वो मशीनें कलेक्टर काउंटिंग सेंटर पर ला रहा था। नाना पटोले ने कलेक्टर से झगड़ा किया, कलेक्टर नहीं माना, वो तो ऊपर के आदेश पर काम कर रहा था। नागपुर हाईकोर्ट में गए, नागपुर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस इशू की, अभी तक कोई जवाब नहीं। दूसरी नोटिस दी, अभी तक कोई जवाब नहीं। चुनाव आयोग के पास किसी का कोई जवाब नहीं। साथियों, आखिरी बात, भयंकर बात, भारत के चुनावी इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। चुनाव आयोग के साइट पर लिखा हुआ है ये जो 19 का रिजल्ट है 23 मई 19 का, ये प्रोविजनल है, नॉट ऑथेंटिकेट। ये रिजल्ट ओनली प्रोविजनल, नॉट ऑथेंटिकेट। कानून के अनुसार 2 महीने में चुनाव आयोग को ऑथेंटिकेट घोषित करना पड़ता है, जो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 8 महीने हो गए, चुनाव आयोग ने अभी तक ऑथेंटिकेट घोषित नहीं किया। कितना भयंकर देश में चल रहा है। ये जो रिजल्ट है
जिसके आधार पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, ये ऑथेंटिकेट रिजल्ट नहीं है। कांग्रेस राफेल पर चिल्ला रही है, ईवीएम पर एक शब्द भी नहीं बोल रही। ये सारा डाटा उसको मालूम है। बॉम्बे में एक नेता ने मुझे कहा, मिश्राम जी, सोनिया जी आपके ऊपर बहुत नाराज है। मैंने कहा, मैंने उनके कौन से ढोर डंगर मारे? ना सोनिया जी के पास कोई खेती है, ना वामन मेश्राम के पास कोई खेती है, ना मेरा उनका निजी झगड़ा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, कांग्रेस विरोधी पार्टी है तो ईवीएम का मामला पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठा रही है? राफेल का उठाने के लिए ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर ईवीएम का भी उठाया जाए। अगर पार्लियामेंट दो चार दिन बंद हो जाए तो ईवीएम खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं किया जा रहा है। साथियों, अभी आपको ईवीएम का जो पुराण है, महाभारत है, बहुत ज्यादा समय लेकर आपको बताया, जो भयंकर बात आपको बताता, ये जो कानून पास हो रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट का कानून, एनआरसी का कानून, एनपीआर का कानून जो पास हो रहा है ईवीएम की वजह से, मुसलमानों को खास तौर पर अनुरोध करना चाहता, इतने बड़े बड़े फैसले करने का उनको हौसला आया कहाँ से? कहाँ से हौसला आ रहा है? उनको क्या लगता है, अरे चाहे कुछ भी हो जाए, लोग चाहे कितना भी आंदोलन करे, हम तो ईवीएम से चुनेंगे। उनको ऐसा लगता है, लोग चाहे कुछ भी करते रहे आंदोलन, मगर चुनाव तो हम ईवीएम से जीतेंगे। इसलिए उनको लगता है कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होगा, हम ही चुनकर आएंगे। मैं मुसलमानों को खास तौर पर अनुरोध करना चाहता हूं, एनआरसी के साथ साथ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट के साथ साथ, एनपीआर के साथ साथ, ईवीएम का मुद्दा आप अपने आंदोलन में जोड़ लो, क्योंकि ईवीएम की वजह से ये एनआरसी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, ये सारे मामले खड़े हो रहे हैं। अटल बिहारी अडवाणी जैसे टॉलेस्ट नेता बीजेपी के पूरी ताकत लगाकर 182 सीटों से ज्यादा जीतवा नहीं पाए। नरेंद्र मोदी अटल बिहारी अडवाणी के लिए चादर बिछाने वाला आदमी था गुजरात में, वो अटल बिहारी अडवाणी के मुकाबले का लीडर नहीं है, तो 303 कैसे आ रहे? अटल बिहारी अडवाणी से बड़ा हो गया? मैं तो नहीं मानता बड़ा हो गया। फिर ईवीएम की वजह से, इसको समझने की जरूरत है। और इसलिए ये जो एनआरसी है, एनआरसी का आपको थोड़ा डाटा बताता हूँ, आपको समझ में आ जाए। एनआरसी आसाम में लागू हुई, 19,48,000 लोग नागरिकता विहीन कर दिए गए, उसमें 5,00,000 मुसलमान हैं, 14,48,000 SC ST OBC के लोग हैं। मुसलमान मानते हैं कि वो केवल उनकी समस्या है, गलत बात है। मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा SC ST OBC की संख्या है। मुसलमान तो 5,00,000 है, 14,50,000 तो SC ST OBC है। मुसलमान जाग गए, SC ST OBC के लोग जागे नहीं है। यहां जो भी SC ST OBC के लोग हैं, वो जान ले कि अभी जो 6,000 लोग डिटेंशन कैंप में आसाम में मारे गए, मरे नहीं मारे गए, उसमें 5,000 SC ST OBC के लोग हैं और केवल 1,000 मुस्लिम है। 5,000 SC ST OBC के लोगों को मार दिया गया, तो जो SC ST OBC के लोग बीजेपी के प्रचार के प्रभाव में आकर कहते हैं कि यह मामला केवल मुसलमानों का है, गलत बात है। ये 3 गुना मुसलमानों से ज्यादा SC ST OBC का है। SC ST OBC के लोगों को डाटा मांगा जाएगा, कागज मांगे जाएंगे, कहां से कागज है उनके पास? शेड्यूल कास्ट के पास कोई कागज नहीं। आदिवासी तो जंगल में रहते हैं, उनके विलेज तो रेवनी विलेज नहीं होते, ना उनके पास कागज है, ना सरकार के पास कागज है। जो नॉमिनिक टाइप के लोग हैं, वो तो गांव के पास पाल लगाकर 3 दिन रहते हैं, दूसरे 3 दिन दूसरे जगह चले जाते हैं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं है। जो MBC के लोग हैं,
उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। जो ओबीसी के लोग किसान हैं, खेती की वजह से डाटा मिलेगा, मगर जो खेती पर मजदूरी करते हैं ओबीसी, उनके पास भी कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। इवन लिंगायत मजबूत है आपके कर्नाटका में, जो लिंगायत किसान है, जो लिंगायत व्यापारी है, उसके पास कागज मिलेगा। जो लिंगायत खेती में मजदूरी करता है, उसके पास भी डाटा नहीं। ये समझने की जरूरत है, एक तो ये बात। दूसरी बात, ये जो एनपीआर है, क्या है एनपीआर? एनआरसी में आर है, एनपीआर में भी आर है। आपको समझने के लिए, एनपीआर में आर है और एनआरसी में भी आर है। आर का क्या मतलब है? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? बगैर कागजों के कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो सरकार एनआरसी शब्द बदनाम हो गया, इसलिए एनपीआर लाया, नाम बदल कर, नाम बदल कर है, चालाकी से, समझ लो। एनपीआर जो है एनआरसी ही है, मगर उसका नाम बदल कर लाया एनपीआर, क्योंकि उधर भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये समझने की जरूरत है। ये तो दूसरी बात आपको बताया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रेफरेंस में नरेंद्र मोदी कहता है, क्या कहता है कि ये तो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। मगर अगर ये बात सही है तो 19.5 लाख लोगों की नागरिकता आसाम में कैसे छीनी? तो तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। बंगाल से, जो बांग्लादेश है, वहाँ से बहुत सारे लोग भारत में पार्टीशन के दौरान आए, उनको जंगलों में बसाया अभी भी, और जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने खुलना, जसोर, बोरीशाल और फरीदपुर से संविधान सभा में चुनकर भेजा था, वो लोग भी भारत में आए, उनको भी आपने बंगाल में नहीं बसाया। ये तो सारे के सारे लोग, ये तो हमारे लोग हैं, जिनको आप कागज मांग रहे हो, वो तो हमारे लोग हैं। और कागज नहीं मिलेगा, डिटेंशन कैंप में 19.5 लाख लोगों को भेज दिया, 5 लाख मुसलमान, 14.5 लाख SC ST OBC। अब कल्पना करो, थोड़ा सा थोड़ा इमेजिन करने के लिए बोलता हूँ। RSS का आदमी डिटेंशन कैंप में गया, फॉर्म लेके, लिख कर दे तो हिंदू बनने के लिए तैयार हूँ, नागरिकता दे देंगे। कुछ समझ में आ रहा? केवल साइन करो, एक कागज पर लिखो हिंदू बनने के लिए तैयार। हिंदू का मतलब ब्राह्मण का गुलाम बनने के लिए तैयार, लिखो, नागरिकता दे देंगे। कानून में लिखा हुआ है, मुझे पत्रकारों ने पूछा साइन बाग में, आपको क्या इतराज है मेसराम जी, ये तो कानून में तो लिख दिया गया है कि सभी हिंदुओं को नागरिकता दी जाएगी, आपको क्या ऐतराज है? मैंने कहा चलो ठीक है, हिंदू के नाम पर नागरिकता दी जाएगी, हमने तो नहीं मांगा कि हिंदू के नाम पर दो, अपने से ही लिख दिया, पूछा भी नहीं, सहमति भी नहीं ली, बगैर सहमति से लिखा, चलो आपने पास कर दिया। पास करने के बाद हिंदू के नाम पर नागरिकता देंगे, कल हमारे लोग आसाम में कलेक्टर के पास जाएंगे कि हमें SC ST OBC का सर्टिफिकेट दो, कलेक्टर बोलेगा आपको हिंदू के नाम पर नागरिकता दी गई है, आपको SC ST OBC के नाम पर सर्टिफिकेट नहीं मिला। आ को समझ में आ रहा? चालाकी समझना जरूरी है। ब्राह्मणों को जितना वामन जानता है ना, उतना वामन भी अपने को नहीं जानता जितना वामन जानता है। जो उनका शैतानी का खेल है वो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तो इसलिए हम इसके विरोध में सारे देश भर में 29 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया, और हमारी एक मांग हमें उसमें डाली कि हम NRC का विरोध करते हैं, मगर एक शर्त पर समर्थन करते हैं कि यदि DNA के आधार पर NRC करो तो हम समर्थन करेंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा मतलब भी समझाता हूँ। DNA के आधार पर NRC, DNA के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है,
और डीएनए के अनुसार एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी मुसलमान सारा भारतीय है। तो हमने उनको कहा लो खून लो जांच कर लो, ये नहीं कागज से हो जाए, नहीं कागज जगह से खून से करो ना, परमानेंट गारंटी करो भाई, है डीएनए के आधार पर करो। जब मैंने कहा डीएनए के आधार पर करो तो भागवत ने कहा सारे भारत का डीएनए एक है, वामन मेश्राम का जवाब देना पड़ा। समझ रहे हो क्या? ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इस देश में भागवत को वामन मेश्राम के सवाल का जवाब देना पड़ रहा है, बाकी किसी का जवाब नहीं देना पड़ रहा है। तो हमारा तीर कैसे निशाने पर लग रहा है, समझ में आ रहा है? भागवत को लग रहा है कि डीएनए के आधार पर अगर एनआरसी हुई तो भागवत को भी जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं अब भगाएंगे नहीं, भगाएंगे नहीं, हमने हमने उनको एक वादा किया है कि हम आपको भगाएंगे नहीं, आपको एक एप्लीकेशन लिख कर देना होगा कि हम भारतीय बनने के लिए तैयार है और ब्राह्मणत्व छोड़ने के लिए तैयार है, भारतीय बनने के लिए तैयार है, हम उनको नागरिकता देंगे, कानून बना कर देंगे। आप बोलेंगे कैसा, आप तो सत्ता में नहीं है। अरे 85% लोग हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, अगर शुक्रवार को नहीं तो जुम्मे को, इस जुम्मे को नहीं तो अगले जुम्मे को, तो होगा भाई, होगा, क्यों नहीं होगा? जब 63 ईयर में गांधी नेहरू को आजादी अंग्रेजों से मिली तो हम भी अपने आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, तो हमको भी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? केवल जगह आने की जरूरत है, एक बार हमारा आदमी जग गया बस जागने की जरूरत है। पत्रकार ने पूछा कि आप डीएनए के आधार पर एनआरसी की मांग कर रहे हो, सरकार आपकी बात मानेगी? पत्रकार को मालूम नहीं, वो अमन मिश्राम को सवाल पूछ रहा है। हमने पत्रकार को जवाब दिया, सरकार माने या ना माने, भारत की जनता अगर मान लेती है तो जनता ही लोकतंत्र में माए बाप है। सारे दुनिया में जहां जनतंत्र होता है वही जनता ही मालिक होती है, अरे जनता मान ले हो गया। तो पत्रकार को कहा हाँ ये तो बात तो सही है, जनता मान ले तो फिर तो सारी बात, जनता ही तो है लोकतंत्र में मालिक। लोग सरकार बीजेपी वाली मानती है नहीं मानती है उसे थोड़ी बनने वाला मामला है। तो साथियों डीएनए आधारित एनआरसी का हम समर्थन करेंगे और इससे क्या होगा, सारे लोग भारतीय साबित हो जाएंगे ब्राह्मण छोड़कर। ब्राह्मण के साथ भी हम गैर बराबरी नहीं करेंगे, उनको भी भारतीय का सर्टिफिकेट देंगे, उनके साथ जैसा वो हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं हम वैसा व्यवहार नहीं करेंगे, उनके साथ भी इंसाफ करेंगे, उनको भी भारत में रहने के लिए सर्टिफिकेट देंगे कि तुम विदेशी भारतीय हो, ऐसा सर्टिफिकेट दे देंगे। ये भारत बंद 29 तारीख को हमने ऐलान किया, 29 तारीख को रायचूर में आपको क्या करना है, आपको थोड़ी भारत बंद करना है, वो तो वामन मेजराम को भारत बंद करना है, आपको रायचूर में रायचूर बंद करना है, भारत बंद आपको नहीं करना है, आपको रायचूर बंद करना है। अब बंद कैसे होगा रायचूर, आपको सिंपल तरीका बताता हूं। एक मजदूर है, अगर फैक्ट्री में काम पर जाता है, अनुरोध करता हूं मजदूर को एक दिन छुट्टी ले ले, कंपनी बंद होगी, बंद कंपनी, काम नहीं चलेगा। व्यापारी अपनी दुकान बंद कर दे एक दिन ताकि दिल्ली में मोदी के कान तक आवाज जाए कि लोग इसके बहुत ज्यादा विरोधी है, एक दिन अगर आप अपना धंधा बंद कर दोगे तो इससे कोई बहुत बड़ा संकट नहीं आएगा, बल्कि मोदी के कान तक आवाज जाएगी, उसको मालूम होगा सारा भारत जो है इसके समर्थन में है। शांतिपूर्ण तरीके से, कोई हिंसा नहीं करनी है, कोई हथियार नहीं उठाना है, कुछ नहीं, सरकार को मैसेज देना है हाँ हम लोग इसके विरोध में एक साथ सारे देश भर में, सिंपल तरीके से। और
जिस दिन 29 तारीख है, लाखों की संख्या में रायचूर के सड़कों पर आने का, और जिन दुकानदारों ने दुकान बंद नहीं किया उनको रिक्वेस्ट करने का, भाई साहब दुकान बंद कर दीजिए, अगर उन्होंने नहीं माना तो उनको कहने का, जैसे आपको दुकान ना बंद करने का अधिकार है वैसे अगले दिन से आपके दुकान में खरीदारी ना करना, ये भी हमारा। अगर उसके दुकानदार में खरीदारी नहीं हुई तो उसको मक्खी मारने का धंधा शुरू करना पड़ेगा, ग्राहक नहीं जाएगा तो मक्खी मारता रहेगा। अहिंसक तरीके से, कोई हिंसा करने की जरूरत नहीं है, अगर हिंसा करोगे दुश्मन आपके ऊपर गोली चलाएगा, कोई जरूरत नहीं। शांति, शाहीन बाग ने जो औरतें वहां शांतिपूर्ण तरीके से, बच्चे औरतें बूढ़े बैठे हुए शांतिपूर्ण, केवल शांति से करना है, कुछ नहीं करना है गड़बड़। अगर इस तरीके से आप करोगे सारा मामला हल हो जाएगा, सारा का सारा मामला हल हो जाएगा, ये करना होगा। आने वाले समय में आप ऐसा करोगे, इतना ही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। हम सब लोगों को ये लड़ाई मिलजुल कर लड़नी चाहिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के सभी लोगों को अलग 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 लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, मिलजुल कर लड़नी चाहिए। अगर हम मिलजुल कर लड़ेंगे तो जय हमारा है, विजय हमारा है, फतेह हमारा है, हर हालत में सफल होंगे। आपने ध्यान से सुना इसलिए आभार, धन्यवाद।